जो ध्यान करते हुए आपको अपनी ज़िंदगी में हो जाते हैं, उनसे विश्वास दृढ़ हो जाता है, अंत समय में काम आता है। विश्वास की इतनी बड़ी महत्ता है, लेकिन याद रखिए अंधविश्वास बहुत ख़राब चीज़ है। बहुत सोच समझकर विश्वास कर में अंधविश्वास कभी नहीं करना चाहिए। अनुभव के साथ विश्वास करें और बराबर लाभ होता रहेगा, आगे आप बढ़ते रहेंगे। ये विश्वास परमात्मा से मिलाएगा। मुझे एक पौराणिक कथा याद आ गई और बड़ी सुंदर है। एक बार पार्वती जी ने शिव महाराज जी से पूछा, कुंभ का मेला है 12 साल में एक बार और उसमें लाखों व्यक्ति आते हैं गंगा स्नान के लिए, ऐसा कहते हैं कि गंगा जी पाप नष्ट कर देती हैं, इतने व्यक्ति गंगा जी में आते हैं, इनके पाप स्नान करते हैं, इनके पाप गंगा जी में रह जाते होंगे। तो गंगा जी को बड़ी दिक्कत आती होगी इनके पापों को नष्ट करने में, लाखों व्यक्ति सारा बोझ पापों का छोड़ जाते हैं गंगा जी के अंदर। शिव जी बहुत मुस्कुराए, कहा कि पार्वती जी ऐसी बात नहीं है, जैसे सर पर अपनी गठरी पापों की ले आते हैं वैसे के वैसे ही बांध कर चले जाते हैं। पार्वती जी ने कहा फिर खामा खां आते हैं, लाखों की भीड़ होती है, स्पेशल ट्रेन्स चलती हैं, बसें चलती हैं, इतना बड़ा इंतजाम किया जाता है, ये सब बेकार है। लगता ऐसा ही है पार्वती जी, ये सब दिखावा मात्र है। पार्वती जी बोली कैसे हो सकता है। पार्वती शिव जी ने कहा चलिए कुंभ का मेला लगा हुआ है, अपने आप देख लीजिए और अनुभव कर लीजिए, अपने आप अपने आँखों से देख लीजिए। शिव जी ने अपने को कोड़ी का स्वरूप में बनाया और पार्वती जी को कोड़िन का स्वरूप दिया। इस तरह शिव पार्वती कोड़ी कोड़िन बनकर त्रिवेणी की तरफ चले और उस रास्ते पर पहुँचे, बैठे जहाँ लाखों यात्री स्नान करके आ रहे थे और जा रहे थे। शिव जी महाराज ने वहाँ एक नारा लगाना शुरू किया, वह था मुझे एक संत का वर मिला है, एक महात्मा ने वर दिया कि कुंभ मेले में अगर कोई ऐसा गंगा माई का भक्त जिसके गंगा में स्नान करने के बाद सारे पाप नष्ट हो गए हों, वह गंगा जी का जल लाए, मेरे ऊपर छिड़क दे, मेरी काया कंचन हो जाए, सारे पापों का निवारण हो जाए, मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। यह एक संत की वाणी है, उसकी वाणी कभी ना झूठी हुई है ना हो सकती है। आप लोग स्नान करने जा रहे हैं, यदि कोई ऐसा गंगा माई का भक्त जिसके त्रिवेणी में स्नान करने के बाद सारे पाप नष्ट हो गए हों, जल लेता है और मेरे छींटा लगा दे, सुबह से शाम हो गई, गंगा माई का कोई भी भक्त ऐसा ना मिला जिसने हिम्मत की हो कि छींटा लगा दे, जिसे विश्वास हो कि गंगा में स्नान करने के बाद मेरे सारे पाप नष्ट हो गए हों। पार्वती ये तमाशा देखती रहीं, बड़ा विस्मय हुआ कि भगवान ठीक ही कह रहे थे। सायंकाल जब सूरज छिपने लगा
तो एक किसान आया, गंगा जी में स्नान किया, पाप नाशनी माँ हर हर गंगे का उच्चारण कर पवित्र होके बाहर निकला। बहुत सारे लोगों को वहाँ खड़ा देखा, शिव जी की घोषणा उसने भी सुनी, अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो छींटा लगा दे तो मेरा सारा स्वस्थ हो जाए। वे कहने लगा कि त्रिवेणी में स्नान करने के बाद पाप तो रहता ही नहीं, इसमें कोई शुबा नहीं। तेरा शब्द झूठा हो सकता है लेकिन त्रिवेणी झूठी नहीं हो सकती। मैं अभी जल लाता हूँ, स्नान करता हूँ और छींटा लगाता हूँ। दोबारा गया, इसी विश्वास के साथ कि पाप तो रहता ही नहीं, न था न है, इतना जीवन उसका पवित्र और सरल था। जल लाया, छींटा लगाया, छींटा लगाते ही पार्वती और शिव जी प्रकट हो गए। तो कहा देखो करोड़ों में एक यही ऐसा है जिसे पूर्ण विश्वास है कि गंगा में स्नान करने के बाद पाप तो रहता ही नहीं। विश्वास आखिरी मंजिल है। जो विश्वास अनुभव से हासिल हुआ, जिसने आपके जीवन को बदल डाला, जिसने आपके जीवन को पवित्र कर डाला, जिसने आपके जीवन को टोटल बदल दिया, ऐसा विश्वास आखिर में काम देता है, पार लगाता है। प्रेम का चौथा गुण है संतोष। इसके गुरुदेव कहा करते थे कि संसार बना है सार और असार की मिलौनी से। इसमें सार भी वस्तु है, असार भी वस्तु है, दोनों से मिलकर ये संसार बना है। इस परमात्मा ने इस संसार में जहां आपको जन्म दिया, जिन परिस्थितियों में रखा, उन परिस्थितियों में संतुष्ट रहते हुए उस परमात्मा के नाम को दिल और दांतों से पकड़ो। वे कहा करते थे दिल और दांतों से, दिल से उस ईश्वर की याद को पकड़ो, हृदय से सच्चे प्रेम से, सच्ची लगन से, सच्चे समर्पण से पकड़ो। दांतों से क्या मतलब है? जब आदमी हताश हो जाता है, डूबता होता है, तब तिनके का सहारा ढूंढता है। अगर लड़ाई हो रही हो, आप बिल्कुल निराश हो चुका हो, तो दांतों से ही काटने की कोशिश करता है, दांत से पकड़ने की कोशिश करता है। तो ऐसे अपने आप को समझाते हुए कि परमात्मा के नाम को चाहे कुछ भी हो जाए, जीवन रहे ना रहे, दुनिया रहे ना रहे, उसके नाम को ना छोड़ो। ऐसे दिल और दांतों से उस परमात्मा के नाम को पकड़ो। यही सार वस्तु है, यही इसी से सच्चा आदर्श जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त होती है। अगर आपने दिल और दांतों से उस परमात्मा के नाम को पकड़ा, तो सारे घर की परिस्थितियां आपकी बदल जाती हैं। जैसा चाहते हैं वैसा होता है, इसी से सच्चा आदर्श प्राप्त होता है, जो मनुष्य का सबसे ऊंचा आदर्श है। संतोष का मतलब ये नहीं कि आप काम करना बंद कर दें और अपनी उन्नति की कोशिश ना करें, ये हरगिज नहीं। हम लोग तो ग्रस्ती हैं, हमारा रास्ता ग्रस्त का रास्ता है, इसी दुनिया में रहते हैं, इसी संसार में रहते हुए संसार के सब काम सुंदरता से धर्मानुसार करते हुए निरंतर हृदय परमात्मा की याद में बर्फ की तरह पिघलता रहे, परमात्मा की याद में डूबा रहे, अपने इष्ट की अगाई हमेशा हमारे साथ हो,
परमात्मा की याद में बर्फ की तरह पिघलता रहे, मन डूबा रहे और सब काम पूर्ण सच्चाई के साथ, लगन के साथ होते रहे, बनते रहे। आज से अच्छे यही हमारा आदर्श है। दस्त बकार, दिल बेयर, हाथ काम करें, ईश्वर परमात्मा की याद में लगा रहे, दिल ईश्वर की याद करे तो संतोष के माने ये नहीं कि हम हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं। अपनी उन्नति की प्रगति न सोचें, अपनी हमें प्रतिशील रहना चाहिए। अपनी दुनियावी और आध्यात्मिक तरक्की के लिए हम सच्ची कोशिश करें, सच्ची मेहनत करें, एक दूसरे को देखकर जले नहीं, द्वेष से बचें। दूसरे को देखकर हमारा दिल में द्वेष पैदा ना हो, लेकिन दूसरे को देखकर तरक्की करते हुए हमारे अंदर उत्साह पैदा हो कि हम भी आध्यात्मिक और सांसारिक और ऊंची तरक्की प्राप्त करें। जहाँ द्वेष होता है वह हृदय अपवित्र हो जाता है, उसमें परमात्मा नहीं रहता। यह प्रेम का चौथा गुण संतोष। परमात्मा ने जिस हाल में रखा उसमें खुश रहते हुए हम उसके नाम को दिल और दांतों से पकड़ें, दुख में भी और सुख में भी, सुख आता है परमात्मा के अर्पण कर देते हैं कि प्रभो आपकी अजब गजब निराली शान है, जैसा चाहे वैसा रखे, आपकी दया कृपा है, आपका दिया है। जिनका जीवन ईश्वर में है उन्हें कभी ऐसी खुशी नहीं होती कि वह फूले ना समाए। खुशी आई कि भगवान के अर्पण हो गई। परम पिता परमात्मा आपकी देने जैसा चाहे वैसे रखे। दुख आया तो ऐसा भक्त परमात्मा के चरणों को और कस के पकड़ता है, क्योंकि वो जानता है कि इसका निवारण उसके इष्ट के चरणों में है और कहीं नहीं है। वो ही रास्ता दिखाता है, वो ही करने कराने वाला है, वो ही सद्बुद्धि देता है और परमात्मा की गहरी याद करता है। सोचता है कि मुझसे कोई ऐसी गलती हो गई, मैं प्रभु को और थोड़ा विमुख हो गया, जो कष्ट में पड़ा। संतों की बड़ी सुंदर वाणी है, कहा है कि मेरा मन सकल सुखों को धावे, मेरा मन सकल सुखों को धावे। हमेशा सुख ढूंढता रहता है हर कार में, मेरा मन सकल सुखों को धावे, पर कोई सुख हाथ ना आवे। जैसे सेवर की सेवा सुआ बैठ पछतावे। सेवर का वृक्ष होता है, उसमें सेमल का लाल लाल फूल बहुत सुंदर और अच्छा लगता है। कहा है कि मेरा मन सकल सुखों को धावे, पर कोई सुखात ना आवे। जैसे सेवर की कर सेवा सुआ बैठ पछतावे। जो सुआ पक्षी है उस फूल को देखकर मोहित हो जाता है और इस आशा में बैठा रहता है कि इसमें फल भी बड़ा सुंदर लगेगा, बड़ा प्यारा और मीठा निकलेगा। और जब फल आता है बड़ा निराश हो जाता है, रुई का डोडा उसमें से निकलता है, बड़ा निराश हो जाता है। ये दुनिया हमें बड़ी प्यारी लगती है, लेकिन धीरे धीरे उम्र के साथ साथ जब हमको अनुभव होते हैं तो ये पता चलता है कि ये तो रुई का डोडा है, हंस अकेला आया है, अकेला ही जाएगा।
तो जैसे कर सेवर की सेवा, सुआ बैठ पछतावे, यदि ऐसा दुख ऐसी तकलीफ आ पड़े जो हमारे हृदय को परमात्मा से जोड़ दे, हमारा हृदय परमात्मा की गहरी याद में डूब जाए, वह भी तकलीफ हमें मुबारक है। एक स्टेप उन्होंने आगे बढ़ा दिया, तो जो परमात्मा को मानने वाला संत है, न सुख में सुखी होता है न दुख में दुखी होता है, ऐसा सुंदर जीवन बन जाता है। सुख आया, परमात्मा के अर्पण हो गया, और फिर यह विश्वास हो जाता है आखिरी वक्त जब आएगा, इतना पक्का विश्वास हो जाता है कि उसकी याद अवश्य आएगी। भगवान ने यही कहा है, जो मनुष्य मेरी याद करते करते अपना शरीर फूल की तरह छोड़ता है, मुझे पाता है। सच्चा आदर्श, सच्ची आशा हो जाती है कि जरूर हमें आदर्श और सच्चा जीवन प्राप्त होगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि ज्योति से ज्योति एकाकार हो जाएगी। इस सेवक के गुरुदेव कहा करते थे कि निशाते जिंदगी है जिंदगी का यो बसरोना, निशाते जिंदगी है जिंदगी का यो बसरोना, निशाते जिंदगी में जिंदगी से बेखबर होना। ये गुरुदेव कहा करते थे कि निशाते जिंदगी है जिंदगी से बेखबर होना, निशाते जिंदगी में जिंदगी से बेखबर होना, ये है सच्ची जिंदगी। दुनिया के सारे वैभव आपके पास मौजूद है, लेकिन इस सब के होते हुए भी उसका कोई ज्ञान नहीं, क्योंकि उसका हृदय तो परमात्मा की याद में डूबा हुआ है, परमात्मा की याद में ईश्वर में लगा हुआ है, उसी के आनंद को आनंद विभोर हो जाता है। इसका इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, ये सच्ची जिंदगी। इसी संसार में, इसी दुनिया में है सारे वैभव के बीच, लेकिन हृदय परमात्मा में ऐसा लगा रहे कि इनका सबका कोई असर ना हो, ये है सच्ची जिंदगी। और यह है प्रेम का चौथा गुण संतोष, पांचवा गुण त्याग, इशार और कुर्बानी। एक दिया जलता है, तेल और बाती ठीक है तो रोशनी अच्छी देगा, धीरे 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 चराग की लौ में धुआं पैदा हो जाता है, तो क्या करते हैं, कैंची से उसको काट देते हैं, तेल और डाल दिया, तेल फिर जलने लगता है, दिया फिर रोशनी देने लगता है। जब परमात्मा की असीम दया कृपा से हृदय में उस परमात्मा का प्रेम जागृत हो जाए, फिर ऐसे साधक को चाहिए कि त्याग की कैंची से उस लौ को सदैव जल प्रज्वलित करता रहे, ऐसा ना हो कि उसमें धुआं पैदा हो जाए। त्याग है शरीर का, त्याग है समय का, ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।